कुछ बोलना चाहेंगे आप कुछ? एक और चीज जी, माननीय शिक्षा मंत्री उदय राव प्रताप सिंह जी कहते हैं कि तुम मेहमान हो, ठीक है हम मेहमान हैं, तो हमें कहाँ का मेहमान समझा है तुमने, और कहते हो कि क्या कब्जा करोगे, तो हम तुम्हारे घर पे कब्जा नहीं कर रहे माननीय मंत्री महोदय। ये देश इस देश के हर एक नागरिक का है, हर एक नागरिक का यहाँ पर अधिकार है। हम कोई विदेशी नहीं है जो विदेश से आए हैं और यहाँ पर कब्जा करने आए हैं। अरे यहाँ तो हर एक उस इंसान का कब्जा है जो चंद पैसों से टैक्स देकर तुम्हारी सरकार चलाते हैं। तुम इन पैसों से अपनी एस की गाड़ी से घूमते हो, बंगलों से घूमते हो। तुम्हें अगर मानदेय तुम्हारा बढ़ाना है तो विधानसभा लोकसभा जहाँ पे भी तुम ध्वनि मत से अपना मानदेय बढ़ा लेते हो, और यहाँ का कर्मचारी अपनी मांगे मनवाने के लिए लाठियां खाता है। ये है तुम्हारी सरकार। कहाँ से कह रहे हो हमके तुम हम कब्जा कर रहे हो? कब्जा तो हम करेंगे और संविधान के अनुसार करेंगे, विधि संगत करेंगे। तुम कब तक रहोगे? तुम भी कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए हो मंत्री जी, तुम भी मेहमान हो। वहाँ क्या कर रहे थे, वहाँ क्यों छोड़ के भागे तुम? तुम भी मेहमान हो। कुछ समय 5 साल बाद तुम भी देखना, तुम भी सड़कों पे पीछे लाइन में बैठोगे। आज मंच की आगे लाइन पे जो बैठे हो ना, ये मंच की लाइन भविष्य में नहीं मिलेगी, क्योंकि तुम्हारी वक्तव्य हर एक उस अतिथि की आत्मा तुम्हें दोष देगी। उसकी आत्मा इतनी दुखी है कि तुम भविष्य में मुश्किल से विधायक बनोगे। याद रखना, ये तो हमारी कलपती हुई आत्मा, दुखती हुई आत्मा तुम्हें बोल रही है, लेकिन कभी ये शब्द अब आइंदा मत बोलना कि यहाँ कब्जा मत करो। अरे ये हर इंसान का देश है, ये ध्यान रखना। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय, अभी मेरे साथी ने बताया है कि शाहजहांपुर के पूर्व तत्कालीन कलेक्टर कन्याल साहब, जिन्होंने एक ड्राइवर के लिए सिर्फ एक छोटा सा शब्द बोल दिया था, उनको आपने तत्काल 24 घंटे में हटा दिया था। अगर तुम इतने ही संवेदनशील हो तो आज ही तुम्हारे मंत्री को अपनी कैबिनेट से बर्खास्त करे, तब हम तुम्हें समझेंगे। अन्यथा 2 अक्टूबर के लिए तैयार रहे, हम भी सड़कों पर उतरने के लिए तैयार है। देखते हैं तुम्हारी लाठियों में कितनी ताकत है, उन जेलों में भी देखते हैं कितनी जगह है इन 70,000 के लिए। मैं इन्हीं शब्दों के साथ पुनः कहता हूँ कि शिक्षा मंत्री अपने बयान को वापस ले लो, हम हमारी मर्यादा में है। ध्यान रखना, शिक्षक राष्ट्र निर्माता है, वो आरंभ भी जानता है और प्रलय भी जानता है, ये दोनों उसकी गोद में पलते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद। सर आपका नाम बताओ? मेरा नाम सोदान सिंह चौड़िया, मैं एक आम अतिथि शिक्षक हूँ जी।